रुक जाओ आर्यन, तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। तुमने सोचा होगा तुम यहां से चली जाओगी, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मैं हूं तुम्हें रोकने के लिए। तुमने सुन लिया है ना आर्यन, हमने तुम्हें रुकने के लिए कहा है। हम में से किसी को भी तुम्हारी हरकत पसंद नहीं है। प्यार से समझाया, डांटा, सजा के तौर पे कमरे में बंद कर दिया, मगर तुम पे कोई असर नहीं हुआ। क्या आर्यन के अलावा कोई रिश्ता तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? हमारे मना करने के बावजूद भी अगर उस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तुम चले गए तो हम लोग यही समझ लेंगे कि तुमने हमारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब माँ बाप, भाई बहन, किसी रिश्ते की कोई जगह नहीं है। अगर परवाह है तो उस खुशी की, कितनी स्वार्थी हो गए आर्यन तुम। तुम्हें एक बार भी दुर्गा का ख्याल नहीं आया? बेकसूर होते हुए भी वो सजा पा रही है। दिल से तो बहुत पहले उसे निकाल चुके हो, लेकिन आज तुम्हारा इस घर से बाहर उठा हुआ कदम ये कह देगा कि तुम्हें उस रिश्ते की कोई इज्जत नहीं। इस वक्त तुम्हारा उठाया हुआ एक गलत कदम हम दोनों के बीच बहुत बड़े फासले पैदा कर देगा। रुक जाओ मुस्कान, तुम्हें मेरी कसम। नहीं मम्मा, अपनी कसम मत दीजिए, क्योंकि आपकी कसम मुझे जाने नहीं देंगी और मेरा जाना मेरी मजबूरी है, मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस पल तुम अपना कदम इस घर के बाहर रखोगे उसी पल से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। हम भूल जाएंगे कि आर्यन नाम का हमारा कोई बेटा भी था। मम्मा, मैं तो चाहती हूं कि आप भी मेरे साथ मेरी शादी में चले, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। और वैसे भी जिस घर से मेरी अर्थी उठी थी उस घर से मेरी डोली तो नहीं जा सकती ना, मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं अकेले ही जा रही हूं। जिस घर से मेरी अर्थी उठी थी उस घर से मेरी डोली तो नहीं जा सकती ना, डोली तो नहीं जा सकती ना, डोली तो नहीं जा सकती।